नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन वर्क हेल्प में आपका स्वागत है। मैं सुधीर और आज इस वीडियो में बताने वाला हूं ओसमोस टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड में अपना जो वॉलेट होता है, वॉलेट में जो अमाउंट रहता है उस अमाउंट से आप अपना पिन कैसे जनरेट कर सकते हैं और अपने मेंबर का आईडी कैसे एक्टिवेशन कर सकते हैं। तो आप बारीकी से इस चीज़ को देखना है ताकि आप इस चीज़ में समझ में आए, ठीक है। तो आपको पता है, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर क्रोम ब्राउज़र ओपन करके मैं अपना आईडी ओपन कर लेता हूँ। तो क्रोम ब्राउज़र में आपको लिखना है ओसमोस टेक, या आप लिख सकते हैं ओसमोस टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड या ओसमोस टेक डॉट कॉम लिखेंगे तो ये वेबसाइट आपका ओपन होगा। और उसके बाद यहाँ पे जो लिखा हुआ है ओसमोस टेक टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड को जैसे क्लिक करेंगे, यहाँ पे तीन ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा, लॉगिन अकाउंट, न्यू रजिस्ट्रेशन और शॉपिंग। जिसको शॉपिंग करना हो शॉपिंग आप जो है क्लिक करके शॉपिंग कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे जैसे मैं लॉगिन अकाउंट पर क्लिक कर रहा हूँ अपना आईडी ओपन करने के लिए, तो लॉगिन अकाउंट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे मेंबर आईडी एंड पासवर्ड मांगेगा। तो आपको मेंबर आईडी एंड पासवर्ड डालना है, न्यू मेंबर के लिए भी है, बाकी मैं तो पिन जनरेट के लिए ही बता दूंगा। तो उसके बाद यहाँ पे आईडी पासवर्ड डालने के बाद इस तरह का इंटरफेस यहाँ पे ओपन होता है, ठीक है। यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है, बीच में गेट टॉपअप का है, और यहाँ पे डैशबोर्ड में जो डैशबोर्ड होता है वो, तो यहाँ पर जो गेट टॉपअप है यहाँ से ही आईडी को एक्टिवेट किया जाता है। और दूसरा ऑप्शन भी है, मैं गेट टॉपअप में क्लिक करके बता रहा हूँ। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर एक भी पिन यहाँ पर जनरेट नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना है, अपना जो वॉलेट है, वॉलेट में जो इनकम रहता है उसको कैसे करके पिन बना सकते, पिन में जनरेट कर सकते हैं। तो कुछ इसमें है, क्योंकि इसमें 5% जो है एडमिन चार्ज कटता है, तो वो भी यहाँ पे ऐड करते हैं। देखिए 1200 रुपये लगता है। तो यहाँ पे जो यहाँ पे मेरा वॉलेट है, ठीक है, ये वॉलेट पर मैं क्लिक करता हूँ और उसे मेन वॉलेट पर जाता हूँ। तो मेन वॉलेट पर दिखा दे रहा हूँ कि अभी जो है आज का इनकम मेरा जो है 10,397 रुपये आया। अभी तक 1,92,000 इनकम कर चुका हूँ, पर डे का 10,000 फिक्स हो चुका है, ठीक है। तो ये जो 12,000 मेरा अमाउंट है, तो अभी मैं यहाँ पे क्या है, मेन वॉलेट जो है यहाँ पे वॉलेट पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मेन वॉलेट टू शॉपिंग वॉलेट, ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले क्लिक करना है। पहले शॉपिंग वॉलेट पर ट्रांसफ़र करने के बाद ही पिन को जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर 12,475 रुपये यहाँ पर शो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अगर मानूँ कि दो पिन जनरेट करना चाहता हूँ, चलो मैं पांच, अगर मान लें कि दो पिन जनरेट करना चाहता हूँ या पांच, एक पिन जनरेट करेंगे तो इसमें क्या होगा कि 1200 रुपये लगता है, लेकिन 1200 रुपये लगने के बाद 5% अगर एडमिन चार्ज कटता है तो कहीं ना कहीं 1260 रुपये लगता है एक पिन जनरेट करने का, ठीक है। तो इसी तरह से क्या है, आप अपना हिसाब से आप जनरेट कर लीजिएगा। ये मैंने बता दिया कि अगर आपको एक पिन जनरेट करना होगा तो 1200 रुपये अगर यहाँ रहेगा तो पिन जनरेट नहीं होगा, ठीक है। अमाउंट तो ट्रांसफ़र हो जाएगा, पिन जनरेट नहीं होगा जब तक 1260 रुपये यहाँ पर डालेंगे। जब 5% एडमिन चार्ज कटेगा तभी जो है पिन जनरेट आप कर सकते हैं। तो एक यहाँ पे मैं यहाँ पे 5,000 रुपया, सॉरी उतना तो नहीं करूँगा, कर ही देता हूँ, 5,000 रुपये का कर रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे रिमार्क जो है, यहाँ पे आप देख सकते हैं रिमार्क जो है, रिमार्क में मैंने क्लिक किया और यहाँ पे शॉपिंग, क्योंकि शॉपिंग वॉलेट पर मैं ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। इसमें जैसे हम सबमिट में क्लिक करते हैं यहाँ पर ट्रांजेक्शन पासवर्ड मांगता है, ठीक है। और ट्रांजेक्शन पासवर्ड होता क्या है, जो कंपनी की तरफ से डिफॉल्ट पासवर्ड आता है 6 डिजिट का, वो डिजिट डालना है, या ट्रांजेक्शन पासवर्ड जो है आप चेंज कर सकते हैं। किसी को किसी तरह का प्रॉब्लम हो तो कमेंट में अपना जो है राय लिख सकते हैं या बता सकते हैं प्रॉब्लम हो तो, ठीक है। मैं यहाँ पर ट्रांजेक्शन पासवर्ड डाल रहा हूँ, तो यहाँ पे मैंने ट्रांजेक्शन पासवर्ड डाल दिया है। और ट्रांजेक्शन पासवर्ड डालने के बाद मैं इसको सबमिट में क्लिक कर दिया, तो अमाउंट ट्रांसफ़र सक्सेसफुली, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रांसफ़र सक्सेसफुली हो गया, तो मैंने ओके पे क्लिक किया। यहाँ पे आप देख सकते हैं 5,000 यहाँ पे माइनस हो चुका है, ठीक है। तो इसमें उसके बाद क्या करना है, 3 लाइन पर क्लिक करना है, और 3 लाइन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ई पिन पर जाएंगे, और ई पिन पर आप देखेंगे पिन डिटेल, तो यहाँ पर पिन नहीं आया रहेगा, यहाँ पर देखिए देखिए कुछ भी नहीं आ रहा, ठीक है। अब इसके बाद जैसे पिन जनरेट करना हो तो आपको क्या करना है, ई पिन में जाके आपको ये तीसरा नंबर पर है पिन ट्रांसफ़र और पिन जनरेट, क्योंकि मुझे पिन जनरेट कर रहे हैं अपने वॉलेट से, तो पिन जनरेट में क्लिक करना है। पिन जनरेट में जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए आप देख सकते हैं 5,477 रुपये पहले से मेरा अमाउंट था, तो यहाँ पे 5,000 से 5% एडमिन चार्ज करके जो है यहाँ पे अमाउंट ट्रांसफ़र हो चुका है। तो यहाँ पे जो प्रीमियम मेंबर होता है तो वो ऑलरेडी यहीं पर सिलेक्ट रहेगा, दूसरा कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पर कितना पिन बन सकता है, ठीक है, तो यहाँ पे जो होगा यहाँ 1200 रुपये करके ही कटेगा, यहाँ ज़्यादा नहीं कटेगा क्योंकि 5% एडमिन चार्ज जो है पहले कट चुका है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 1200 करके ही कटेगा, यहाँ पे सिर्फ पिन काउंट देना है। तो यहाँ पे मैंने चेक किया कि 12, 12, 24, 24, 48 से ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि 5 करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 पिन हो गया, और 4 पिन करने के बाद यहाँ पे डायरेक्ट पिन कर सकते हैं, 12 करके अगर हिसाब करेंगे 12 से करके, तो यहाँ पे 12, 24, 12, 24, 26, 48 हो रहे हैं। और इसके बाद जैसे यहाँ पे जनरेट में क्लिक करना है, तो जनरेट में जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे क्या है, ओटीपी आएगा,
ओटीपी का वेट करना है। देखिए ओटीपी आ चुका है, मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया और कॉपी करने के बाद यहाँ पे इंटर पेस्ट कर दिया। तो आप जो भी ओटीपी आएगा आप टाइप करके भी जो है टाइप करके डाल सकते हैं, और यहाँ पे इंटर ट्रांजेक्शन पासवर्ड, यहाँ पे फिर ट्रांजेक्शन पासवर्ड दोबारा डालना है। तो यहाँ मैंने ट्रांजेक्शन पासवर्ड डाल दिया, और डालने के बाद यहाँ पे सबमिट में क्लिक करता हूँ। और सबमिट में जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे आप देख सकते हो पिन सक्सेसफुली जनरेट हो चुका है। ठीक है, तो चार पिन जैसे मैंने जनरेट किया, यहाँ पे मैं कट कर दे रहा हूँ। और चार पिन अगर जनरेट किया तो मैं यहाँ पे जब पिन ई पिन में जाता हूँ और पिन डिटेल में क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पिन नहीं शो कर रहा, लेकिन जैसे मैं यहाँ पे रिफ्रेश में क्लिक कर दूंगा आप देख सकते हो यहाँ पे चार पिन आ चुका है। ठीक है, और इसके बाद चार पिन जो यहाँ पे आया हुआ है, अब जैसे आई डी एक्टिवेशन करना वो भी मैं बता दे रहा हूँ कि आई डी एक्टिवेशन कैसे करना है। ये पिन जब रहेगा तो आपको क्या है, जिसका आई डी मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर ले रहा हूँ, तो यहाँ पे करना क्या है आपको, तो सबसे इधर में आना है, इधर आप देख सकते हैं लेफ्ट से राइट लेना है। तो यहाँ पे जो टॉपअप है टॉपअप में क्लिक करना है, और टॉपअप में क्लिक करने के बाद यहाँ पे आ रहा है आईडी नंबर। ठीक है, और आईडी नंबर के बाद यहाँ पे जो है स्क्रैच नंबर जो है ये आ रहा है। तो आपको आईडी नंबर पे उसका आईडी नंबर आप टाइप करके डाल सकते हो, या आप जो है कॉपी करके पेस्ट कर सकते हो जैसे मैंने किया। उसके बाद आप जैसे ही टॉपअप में क्लिक करेंगे तो टॉपअप में क्लिक करेंगे तो उसका नाम आ जाएगा। ठीक है, ये सतपाल का है, सतपाल सर का है। और उसके बाद क्या है, यहाँ पे नाम आ गया, नाम आने के बाद फिर यहाँ पे टॉपअप में क्लिक करना है। जैसे टॉपअप में क्लिक करेंगे उसका सतपाल नाम आ जाएगा, और प्रीमियम मेम्बरशिप जो है जो लेते हैं सिर्फ कन्फर्म में क्लिक करना है। जैसे आप कन्फर्म में क्लिक करेंगे यहाँ पर देखिए टॉपअप सक्सेसफुल सक्सेसफुल टॉपअप यहाँ पर आ चुका है, ओके कर देंगे तो ये आई डी जो है एक्टिवेशन हो जाता है। तो बाकी जो मैंने आज ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही था कि अपना जो है अपना वॉलेट से अपने शॉपिंग वॉलेट पर ट्रांसफ़र करके अपना पिन जनरेट करके अपने मेंबर का आईडी एक्टिवेशन कर सकते हैं जो वॉलेट में पैसा रहते हैं। ठीक है, तो बाकी शायद आप लोगों को समझ में आया होगा इस वीडियो के माध्यम से। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आने वाले समय में कोई भी अपडेट, कोई भी जानकारी, कोई भी इन्फॉर्मेशन हो तो सबसे पहले आपको मिले। और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। Like a